हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस मैथ्स मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अभी तक इससे पहले हमने क्या सीखा था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट। अब इसके आगे हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड द कैपेसिटी। मीन्स जो भी लिक्विड का अमाउंट होता है, जो कोई भी कंटेनर उसे होल्ड करके रखता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है ना। अब देखिए इसमें आपको कुछ मतलब ये चीज़ें दिख रही होंगी, अरेंज किया हुआ है कि जैसे कि ये टीस्पून है, ये जूस कर्टन है और ये है रिफाइंड ऑयल बॉटल। तो कैन यू अरेंज दिस वेसल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी। तो ये सारी हैं। सो इन ऑर्डर टू मेजर द कैपेसिटी करेक्टली वी यूज़ फिक्स्ड स्टैंडर्ड मेजर। लाइक अब हम फिक्स स्टैंडर्ड में जैसे हमने पहले सीखा था लेंथ का और वेट का, और क्या कहें, जब लेंथ का हमने सीखा था मीटर सेंटीमीटर में, वेट का हमने सीखा था ग्राम और किलोग्राम में, अब हम कैपेसिटी का सीखेंगे लीटर और मिलीलीटर में। तो देखिए जो शॉर्ट मतलब अगर शॉर्ट में हम देखें तो हम लीटर को एल से प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एल से, और मिलीलीटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एम एल से, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर्स मेक्स अ 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर बन के 1 लीटर बनाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। ओके, तो लिक्विड की जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उसको हम एम एल से या मिलीलीटर से शो करते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी होती है लिक्विड की उसे हम लीटर से या एल से शो करते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये मेडिसिन की एक बॉक्स है मेडिसिन का, जो कि 30 ml का है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी है, इस वजह से हमने इसे 30 ml बताया है। और ये मिल्क का बड़ा लार्ज बॉक्स है, या इसको बॉटल कह लीजिए, तो ये क्या है, बड़ी है, लार्ज है, लार्ज क्वांटिटी में है, तो इसको लीटर में बताया कि 1 लीटर है, ठीक है। इसी तरीके से ये है आपको, ये एक्टिविटी है, जैसे कि देखिए ऑब्जेक्टिव टू एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर एंड वेरीफाई देम, चिल्ड्रन शुड वर्क इन ग्रुप। अब देखिए ये सारा जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मेजरिंग दिया हुआ है, एक 1 लीटर का जग दे रखा है साइड में, एक टी कप दे रखा है, स्पून दे रखा है, बॉटल वाटर बॉटल दे रखी है, और स्मॉल कैटल दे रखी है। तो इसमें आपको क्या करना है, मेजरिंग जग ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर इज शो टू यू, जो इसमें दिख रहा है आपको, एस्टिमेट हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ द अदर गिवन बेजल टीस्पून टी कप स्पून कैटल एक्सेट्रा विल बी यूज टू फिल द जग कम्प्लीटली। इसके अकॉर्डिंग आपको 1 लीटर का जो जग है, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको इसमें इसको भरना है, और फिर देखना है, मेज़र करना है कि इसका एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट इसका क्या है, और इसका एक्चुअल पॉइंट क्या है। ओके, ये एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम जो लिक्विड फॉर्म को उसकी जो क्वांटिटी होती है होल्ड करके जो रखते हैं जिस भी चीज़ में, वो हमारी कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी को हम किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लीटर या एल, मिलीलीटर या एमएल। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। ओके, लार्ज जो कैपेसिटी होती है उसको लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल जो क्वांटिटी होती है वो मिलीलीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।